हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जल्दी से आप कर दें। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो आज एक बहुत ही बड़ा झटका मिला है यूएसए को इंडिया की तरफ से। तो वीडियो का टाइटल बताने से पहले इंट्रो देते हैं। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो पापा, आपको पता है ना वो इंडिया का एयरक्राफ्ट घुसा था? बिल्कुल, वो पता है। बिल्कुल, वो घुसा था ना उसके उनके ओशन में। बिल्कुल। तो इंडिया ने समुद्री दूध से गुजरा। तो इंडिया ने, अब इसका टाइटल है कि इंडिया ने अमेरिका को सीधा कर डाला। अच्छा। इंडिया यूएसए। तो जाके देख के पता चलेगा वीडियो कि ऐसा, मतलब इन्होंने क्या बोला है या क्या ऐसा किया है कि जिससे मतलब अमेरिका सीधा हो गया है। क्योंकि जाहिर बात है, वो उसने गलत किया है तो इंडिया भी एक बड़ी पावर है। बिल्कुल, तो सही बोला। उल्लंघन करना गलत है। तो देखते हैं इंडिया ने क्या बोला। 3-2-1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको परसों वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका का जंगी बेड़ा 7th फ्लीट भारत के लक्षद्वीप में, जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां से होकर गुजरा। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके लिए उन्होंने कोई परमिशन भारत से नहीं ली थी। वरना कानूनन ये होता है कि अगर अमेरिका को वहां से गुजरना है या किसी और देश को भी हमारे किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से गुजरना है, तो उसके लिए उन्हें हमें रिटर्न में परमिशन मांगनी पड़ेगी, और फिर हम परमिशन देंगे तब जाकर वो गुजरते हैं। लेकिन अमेरिका ने इसकी कोई परमिशन नहीं मांगी। इसके बाद भारत ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया दी थी, और अमेरिका को डिप्लोमेटिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी भिजवाया था। और भारत ने साफ कर दिया था कि अगली बार से विदाउट परमिशन हमारे क्षेत्र से गुजरने की हिमाकत ना करें, वरना परिणाम बुरे। बहुत सही दिया। अब ये मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा बन गया था कि अमेरिका में भी जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो भी इसको डिस्कस कर रहे थे। उनकी जो चिंता का कारण था वो दूसरा था। उन्होंने कहा कि जब क्वाड के जो देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये दम भरते हैं कि जी हम तो चीन को हराएंगे, लेकिन इनमें आपस में ही इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि अगर कल को युद्ध हो जाए चीन के साथ, तो ये तो एक दूसरे के शिप को ही फोड़ डालेंगे। ये दुश्मन को क्या मारेंगे? और जो इसमें आलोचना हो रही है वो हो रही है अमेरिका की। अमेरिका के इस व्यवहार को एक जिद्दी बच्चे का व्यवहार की तरह बताया। अमेरिका एक किस्म का जिद्दी बच्चा है। इतनी ज्यादा आलोचना हुई उनकी कि आखिरकार अमेरिका और अमेरिका की नौसेना अपने बचाव में उतर आई है। उन्होंने देखे स्क्रीन पर क्या बयान दिया है। अमेरिका ने कहा कि जी हम तो म्यांमार की तरफ जा रहे थे, और हम बहुत ही हानिकारक तरीके से जा रहे थे, इसलिए हमने कोई परमिशन नहीं ली। और साथ ही वो बात भी दोहराई कि जी हमने इसलिए परमिशन नहीं ली क्योंकि हमने जो ट्रीटी है वो साइन ही नहीं करी है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली, इसलिए हमने परमिशन नहीं ली। अमेरिका के अंदर ही अमेरिका की काफी आलोचना भी हो रही है कि अगर अमेरिका अपने एलाइज के प्रति ऐसा व्यवहार रखेगा तो आने वाले समय में वो अपने एलाइज खो देगा। इसीलिए अमेरिका, मतलब अमेरिका की नौसेना भी दबाव में है, मतलब यार, अमेरिका की सरकार भी काफी दबाव में है, इसलिए वो अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। भाई, अमेरिका के पास अब तीन ही ऑप्शन है जो ज्यादातर विशेषज्ञ कह रहे हैं, और मैं भी यही कह रहा हूँ। या तो अमेरिका इस संधि को साइन कर ले इकोनॉमिक जोन वाली को, या फिर अगली बार से परमिशन लेकर आए। अगर परमिशन भी नहीं ले सकते और संधि भी नहीं साइन करते, तो फिर भारतीय इकोनॉमिक जोन में घुसने की हिमाकत ना करें। हालांकि कई लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि जो ये घटना हुई है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह है, यानी कि बुरी घटना, लेकिन इसमें कुछ अच्छाई निकल कर सामने आ सकती है। वो ये कि अब आगे से भारतीय नौसेना और साथ ही जो अमेरिकी नौसेना है, इस घटना को याद रखे और अपने दोनों नौसेनाओं के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसे बेहतर करने पर ज्यादा जोर दे, ताकि चीन को रोका जा सके। मिल जाएगी तो वे मर्जी से आए, मर्जी से जाए। एक ही एनिमी है, वो है चीन। चीन। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और इधर ये वीडियो खत्म। अब आते हैं रिव्यू पे। तो मतलब कि एक किस्म का बहुत गलत ही किया है। बिल्कुल वजह सही बोल रहे हो कि गलत काम है ना, किसी समुद्री दूध को क्रॉस करना या गुजरना या अंदर दाखिल होना, ये हमाकत है। सही कहा, जो अमेरिका ने की है। फिर आखिरकार इंडिया ने वार्निंग भी दे दी है कि बहुत वो मतलब हैवी किस्म की वार्निंग, कहते हैं कि आइंदे के बाद घुसने की हिमाकत न करना, नहीं तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर तुम गुजरते हो, अगर तुम गुजरते हो तो वो साइन करो ना, या इजाजत लो, इजाजत लो। वही ना इंडिया, वो भाई अमेरिका वो भी नहीं करता। अमेरिका समझते है समुद्र मेरे बाप की है, जमीन मेरे बाप की है, जहाँ मर्जी आए जाऊँ, कोई रोकने वाला नहीं। बिल्कुल सही बोल। और उसको फिर मिला भी सीधा वो
इंडिया है कि भाई तू औरों का कर सकते है लेकिन हमारे साथ नहीं कर सकता, बेशक तू फ्रेंड है लेकिन ये जहरी बात है, ज्यादा तो समुद्री जहरी बात है। अब मैं अपने दोस्त के घर में चला जाता हूँ तो क्या है वो घुस जाऊंगा यूं दरवाजा खोल के खटखटाऊंगा, तब इजाजत लूंगा भाई हाँ जी मैं हूँ आ जाऊंगा। आ जाऊंगा फजाई ये समुद्री दूध जो होती है ना ये समुद्र में निशान लगे होते हैं अपने अपने, ये पता है जब समुद्री दूध में किसी मुल्क का बेड़ी बेड़ा दाखिल होता है उसको अगर क्रॉस करे तो वो उसके इनके पास है जो रडार होते हैं कि उसमें रडार के थ्रू पापा जहरी बात है एरिया अपने कवर किया तो कोई चुंटी भी वहां पे अगर हो ना बिल्कुल तो नजर आती है और पता लगता है कि ये चीज यहाँ से गुजर रही है। ये तो अमेरिका समझता है सब भी है जहरी बात है अगर समुद्री दूध को गुजर जाऊंगा इधर से और अगर दोबारा वही जारी बात है अगर अमेरिका यही करता है तो इनकी शिपों को भी क्या तोड़ा सही बात है। इंडिया के पास ऐसी ताकत है हाँ इंडिया कर सकता है भाई बोलेगा भाई तुम लोगों ने इजाजत क्यों नहीं ली हमसे बिल्कुल सही तुम लोगों को एक दफा वार्निंग दी चलो दो दफा दी तुम लोगों ने क्यों मस्ती की दोबारा तो भाई सहन कर जो चीज गुजरना है कर ले उन्होंने बाना मारा है कि मैंने मार जा रहा था बड़ी तेजी में तो इसलिए हमने इजाजत नहीं ली भाई ये क्या बात है कि तुम लोगों ने इजाजत नहीं ली गलत बात जो चीज गलत है उसे गलत कहो ना। असल मसला ऐसा है ना कि ये अपने आप को बहुत सुपर पावर मानता है अभी इसका टाइम जाता जा रहा है और अभी इन तीनों के जो इन सब पूरे अभी फिलहाल आधी दुनिया है उसका दुश्मन ही चाइना ये घमंड करता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ भाई सुपर पावर हूँ तो जिधर से गुजरूं कोई मना नहीं करेगा मुझे। बिल्कुल पापा सही बोले लेकिन ऐसा नहीं है अब जाहिर बात है आपस में अगर रखते हैं सही रिलेशन तो तभी चाइना के साथ भिड़ सकते हैं जाहिर बात है नहीं तो चाइना अपना सबको साइड पे करके खुद आगे बढ़ी जा रहा है। बिल्कुल सही बात है यार उसकी जो दुश्मनी है वो है लेकिन वो आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसका रास्ता रोकने वाला सिर्फ इंडिया ही है ना और अमेरिका को भी ये बात पता है और अमेरिका अभी पापा इकोनॉमिकली नीचे आता जा रहा है। बिल्कुल सही बोला है क्योंकि इसने आज जगह जंगे छेड़ी है मस्तियां करता है ये करता है वो अखराजात है ना फौज भी थोड़े अखराजात है इनके। सही कहा पापा इसमें कोई शक नहीं हजार देखो जिस मुल्क में देखो घुसे हुए अफगानिस्तान ईरान इराक लीबिया तो पता नहीं किधर किधर कोई शक की बात नहीं है। तो यार इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या थॉट्स हैं अपने थॉट्स लाजमी शेयर कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि वो साइन कर ले बेटर है नहीं करता तो हर दफा आए और इजाजत दे ऐसे गुस्सा है तो फिर ये काम गलत है। बिल्कुल सही बात है फिर इंडिया नहीं छोड़ेगा जहरी बात है इंडिया ने अभी इतना करारा जवाब दिया है तो आगे तो फिर आने वाले टाइम है क्या पता इनकी शिप है ना सफारतकारी के जरिए भी सफारतखाने के जरिए भी पैगाम भेजा दिया है कैसी मस्ती फिर ना करना अभी की है एम्बेसी के थ्रू। बिल्कुल तो यार आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना यार आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखा और कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो बाय।